अगली बात जो हम लोग करेंगे वो डायबिटीज अगर लंबे समय तक रहती है तो उससे जो व्याधियां उत्पन्न होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हम लोग कहते हैं, क्या वो होंगी ही होंगी इलाज के बावजूद? बहुत जरूरी है कि परिवार के सदस्य ये जाने कि उचित इलाज करने पे, संपूर्ण इलाज करने पे मधुमेह रोगियों को ये व्याधियां नहीं होती। जरूरी है कि वो इस बात को पहचाने, समझें कि ये व्याधियां उन्हीं लोगों में होती हैं, उन्हीं मरीजों में होती हैं जिनकी डायबिटीज सही कंट्रोल नहीं होती। डायबिटीज के कंट्रोल का मतलब है शुगर का अच्छा कंट्रोल होना, रक्त चाप का अच्छा कंट्रोल होना और कोलेस्ट्रॉल का अच्छा कंट्रोल, जिसको हम लोग ए बी सी डायबिटीज की कहते हैं। ए फॉर एच बी ए वन सी, जो ज़्यादातर मरीजों का 7 के नीचे होना चाहिए। बी फॉर ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, जो सामान्यता 130/80 के आसपास होना चाहिए। कुछ गाइडलाइन इसको 140/90 भी स्वीकार करती है। तीसरी चीज है कोलेस्ट्रॉल, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, जिसमें एलडीएल जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, उसका लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर किसी को हृदय रोग है तो ये 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होना चाहिए। अगर कोई मधुमेह रोगी और उसके परिवार के सदस्य नियमित रूप से उपचार द्वारा और नियमित रूप से जांचों द्वारा ये 3 चीज़ें ए बी सी कंट्रोल में रखते हैं तो व्याधियां नहीं होती। व्याधियों की बात करें तो 2 तरह की मुख्यता होती हैं। पहली जिसको हम लोग माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, या छोटी जो धमनियां होती हैं उनकी वजह से जो होता है, जिसमें गुर्दा रोग आता है। दूसरी है पेरिफेरल न्यूरोपैथी माइक्रोवैस्कुलर में। तीसरी है रेटिनोपैथी या आंख के पर्दे में जो कमी आ जाती है। ये 3 माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं अगर उचित ए बी सी पे नियंत्रण रखा है। दूसरी तरह की व्याधियां जो होती हैं वो मैक्रोवैस्कुलर या बड़ी जो धमनियां होती हैं उनके द्वारा होती हैं। उन धमनियों के अंदर की सतह पे कुछ पदार्थ जम जाते हैं जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगती है, जिसकी वजह से हृदय रोग जो मुख्य कारण है ज्यादातर मधुमेह रोगियों में मृत्यु का, उसके अलावा ब्रेन या दिमाग में जो धमनियां प्रवाह करती हैं उसमें असर आने से पक्षाघात हो सकता है। तीसरा, पैर की नसों में या अन्य नसों पे अगर प्रभाव होता है तो ये पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज भी एक मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होता है। ए बी सी जो मैंने पहले बताया, इस पे नियंत्रण द्वारा इन पे भी नियंत्रण किया जा सकता है। और अगर कोई मधुमेह रोगी अपनी ये 3 चीज़ें नियंत्रित रखता है तो उसमें भी हृदय रोग, पक्षाघात या पैर का काला पड़ना या सड़ जाना या कट जाना उसकी संभावना नहीं है।